बलाई समाज संगठन और बनहेर तहसील भगवानपुरा में मंडल बलाई समाज संगठन बनहेर तहसील भगवानपुरा ने कैंडल मार्च निकाला और बौद्ध वंदना कर 2 मिनट का मौन रखकर मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी। बनहेर से धनराज नागरिक की रिपोर्ट। इस मुद्दे पे आपने कैंडल मार्च निकाला है सर? 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हथरस में दलित समाज की बेटी मनीषा, जिसके साथ 4 ठाकुरों ने दो खेत से 200 मीटर दूर ले जाकर के जगन्य अपराध किया, और साथ ही अपराध करने के साथ वो किसी को बता ना दे इसलिए उसकी जबान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। और जब उसके परिवार जनों को ये बात पता चली तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी उसका न तो वहाँ के डॉक्टरों द्वारा सही से इलाज करवाया गया और न ही किसी प्रकार के शासन प्रशासन ने उनकी ओर ध्यान दिया। और कल 30 तारीख को वो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देती है, और उसी को उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए हमने आज निरंतर बलाई समाज सेवा संगठन और आदिवासी समाज की ओर से कैंडल मार्च रखा है और बौद्ध वंदना की और 2 मिनट का मौन रखकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही हमारे खरगोन जिले के ही झिगनिया तहसील के मारूगढ़ गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग जो बालिका थी उसके साथ 3 दरिंदों ने उसको हवस का शिकार बनाया, उसके साथ जघन्य अपराध किया और उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को तुरंत फास्ट कोर्ट टेक में केस चलाया जाए और इन दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही उत्तर प्रदेश की बेटी जो है मनीषा वाल्मीकि, उसके परिवार को 1 करोड़ राहत राशि दी जाए और साथ ही उसके परिवार के 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी हमारा वाल्मीकि समाज, आदिवासी समाज आगे जो निर्णय लेगा हम आगे करेंगे। जी सर, आपका नाम? रोहित मनागरे, बलाई समाज अध्यक्ष, भगवानपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।